दोस्तों TRS हिंदी का हाईलाइट चैनल टी आर एस क्लिप हिंदी में आपका स्वागत है नहीं, भी नहीं, उससे भी पहले। <laughs> तो जो अभी तक आया भी नहीं है वो मेरे को देखना है की इस फेज में ना आप बहुत बदलोगे इन अ पॉजिटिव वे क्योंकि आपका कोर वैसा ही है पहले जैसा पर एक्चुअली लाइफ बहुत ज्यादा बदल गई है और बदलने वाली है और भी जो आप अभी भी कह रहे हो ना ये बहुत हाई इम्पैक्ट चीज है आई प्रोमिस यू अगर हम लोग ने जितनी भी बातें करी है ना ये इंटरनेट पे निकली बहुत लोग आपको हाथ में तो भाई में करूंगा अच्छी चीजें मतलब अगर हो रहा मेरे बोलने से कुछ तो भाई में किस कुछ भी मतलब अच्छे से बोलूंगा भाई नहीं क्या सही है भाई जो भी जो लोग स्ट्रीट में अभी है जो लोग मुश्किलों को झेल रहे उनके लिए क्या मैसेज है कुछ ना भाई लोग ने क्या मतलब मैं तो ये बोलूँगा ये सब नहीं करने वाली बात है मजबूरी मालूम है लेकिन मत करो राड़े बीड़े मत करो भाई जॉब बेप पर जाने वाली बात है आ, मतलब है भाई टाइम नहीं क्या मतलब पब्लिक के पास रहता टाइम रिका रिका काम मत करो नहीं क्या मतलब बैठे मत रहो दिन दिन भर नहीं क्या क्योंकि जब अपन एक महफिल में बैठते हैं फिर नहीं क्या एक हुड में बैठते हैं फिर नहीं क्या ब्लॉक में बैठते हैं ना अपन वट्टे पिट्टे पे तो बहुत देर निकल जाता भाई महफिल में बैठे ना बहुत देर निकल जाता मतलब दिन से रात रात हो जाती पब्लिक रात को घर पे आती नहीं क्या ठोक बिक के तो अरे बोले घर जरा काम बिम पे जाओ धंधे बिंदे करो काम धंधे करो नहीं क्या जरा और ये ब्रो ये जो मतलब लड़की लोग का सीन है ना भाई रिलेशनशिप ये सब ये बहुत अटकाते वो सब में चीज़ें नहीं क्या मतलब हाँ ऑब्वियसली उसके वजह से पूरे दुनिया में झगड़े होते एक लड़की के वजह से लेकिन वो नहीं करने वाली बात है उस पर सीरियस भी सीन नहीं करने वाली बात है और में hmm. मेरे हिसाब से तो जो भी मेरा फैन रहेगा लाइक मैंने मां-बाप गाना माना था तो मैं उसमें बोला था अगर फैन मेरा रहेगा तो मां-बाप को मान लाइक hmm. तो लाइक मेरा यही सीन है ब्रो कि मॉम डैड को मॉम डैड को मानो और कुछ नहीं बारेने का मतलब दुनिया में लाइफ ले और कुछ नहीं आपके डैड का बचपन कैसा था uh, मिथुन <laughs> फुल मिथुन शॉर्ट है ब्रो तो 90 मतलब <coughs> बचपन उनका 80s शायद होगा ना मतलब तभी की उनका एज क्या है मतलब कुछ नहीं इतना कुछ नहीं मतलब थे मेरे जैसे जाड़ी थे लेकिन <coughs> क्या बोलूँ मतलब मिथुन दा तो, के फैन थोड़ा उन्होंने भी स्ट्रीट पे चीजें देखी है हाँ देखी ले देखी ले तो क्या बोला वो आपको कुछ नहीं मेरे डैड के और मेरे कौन वो मतलब क्या बोलूँ क्या की मैं ज्यादा होती हु? और ज्यादा बात में मेरे को भी थोड़ा लगता कि हाँ इसको समझ गए और मैं भी ज्यादा मतलब हमारे ज्यादा ऐसी ये नहीं होते होती मतलब एक दूसरे मतलब को समझ जाते लेकिन खुल के बात नहीं होती लेकिन बोले थे नहीं गए कि ये सब मत कर लेकिन बहुत मतलब बोले ले बहुत बार बाहर मैं बहुत गलत रास्ते पे भी चल रहा था पहले उस वक्त पे नहीं गया इन्फ्लुएंस हो गया दोस्त लोग के साथ में मतलब मॉम डाड समझाने के वो वक्त पे नहीं समझने का वो वक्त पे लगने का यार छोटी छोटी बातें दोस्त लोग को शेयर कर रहे ना तो इन लोग को समझता रहे पर ऐसे सीने नहीं कि मोम डैड को सबसे ज्यादा समझता वो hmm. की एज में ना भाई उन्नीस साल की उम्र में भाई जो भी है ना पब्लिक मतलब वो लोग दोस्त लोग पे ज्यादा बिलीव करते हो ट्रस्ट करते क्योंकि अपन छोटी छोटी बातें नहीं क्या अंदर अंदर की बातें नहीं क्या अगर अब आज के टाइम पे मेरे मॉम के साथ मैं खुल गया मतलब मैं हर एक चीज बोलता मेरे मॉम को हर एक चीज डील बोलो कुछ भी बोलो तो मतलब मेरी मॉम मोमी दोस्त बन गई ना तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है मतलब मॉम डैड दोस्त मांगते अपन कभी कभी कोई कोई बच्चे लोग अनकंफर्टेबल रहते थे मैं भी था भाई एक टाइम पे मेरे को लगने का तुम लोग नहीं समझेंगे यार मेरे को मैं क्या कर रहा नहीं कहीं ये वो मेरे दोस्त लोग समझते लेकिन एक टाइम हाए भाई नहीं का मेरे को थोड़ा हिट हो गई चीज़ है समझा कि कौन था कौन अच्छा सोचने का मतलब ऑब्वियसली मॉम डैड अच्छा सोचेंगे लेकिन जो भी अपने से प्यार करता ना उसका सुनने वाली बात है क्योंकि आप वो लोग को रिटर्न में कुछ नहीं चाह रहता वो लोग सिर्फ अच्छा सोचते अपने बारे में

गैंग ही पब्लिक रहने की ब्रो आसपास भी मतलब रोड पे रुकने के कैसे ने क्या नहीं, नहीं क्या पर उसकी वजह क्या है कि क्यों होता है ये स्ट्रीट्स पे... पे होता है ब्रो ये सब लाइक इसके पीछे पैसों की मजबूरी है हाँ पैसों की मजबूरी ज्यादा है ब्रो उधर लाइक पैसे बहुत मतलब सबको जरूरत है पैसे की लेकिन उधर कुछ ज्यादा मतलब सिचुएशंस बहुत गंदे रहते ब्रो लाइक तो इसके वजह से शायद मजबूरी है आपली और हो गया वो टाइम पर मैं उन लोग को यही बोलना क्या मत, ऐसे रिका में मत करो कुछ नहीं होता नहीं क्या भाईगिरी में सब क्या बैठ जाते नहीं क्या। भाई वो छोटी छोटी चीजों का कर्मा होता भाई इधर तू सामने वाले इंसान की जान ले रहा भाई जान तेरा हक की नहीं है ऊपर वाले का हक हो जान लेना किसकी तो उसकी जान ले रहे लाला ये गलत है मतलब बहुत गले थे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेटली टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए